शाम के 5 बज चुके हैं, ऑफिस का मैं काम साइन ऑफ कर चुका हूँ। मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं जिनका एक यहाँ पर पहले से इंडियन रेस्टोरेंट था, वो अपने एक दूसरा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं विद अ कैपेसिटी ऑफ 100+ गेस्ट। आई एडमायर टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन फ्यूचर, तो मैं उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम करने लग गया हूँ आजकल, जस्ट टू गेट अ फील दैट हाउ इट फील्स लाइक टू ओपन अ रेस्टोरेंट मेलबर्न। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, क्या बैरियर्स इंडिया में होते हैं, क्या बैरियर्स यहाँ पर होते हैं, लेकर लाइसेंस कैसे मिलता है, और पूरा वो रेस्टोरेंट देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैंने अपनी दाढ़ी भी ट्रिम कर लिया, कैसा लग रहा हूँ गाइस? तो गाइस पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट लगता है यहाँ, ये है रेस्टोरेंट। मैं आपको अंदर से अभी पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ भाई। ये है रेस्टोरेंट का फ्रंट पार्ट, यहाँ से आता है रेस्टोरेंट। ओपनिंग सून का साइन लगा दिया है क्योंकि रेस्टोरेंट जल्दी खोल रहे हैं, और अंदर जाते ही अभी पूरा सेट नहीं हुआ है रेस्टोरेंट, प्रोबेबली इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ये सब कुछ सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये बार है यहाँ पर, बार में काफ़ी नई अनोखी चीज़ें भी लगाई गई है, जो बबल कॉकटेल्स भी यहाँ पर यूज़ होगी। बबल कॉकटेल मैंने बाकी रेस्टोरेंट में देखा नहीं है अभी तक, जहाँ भी आ सक गया हूँ, बट हाँ इस रेस्टोरेंट में स्टार्ट करेंगे। जब ये पूरा एकदम रेडी हो जाएगा उसके बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं आपको आउटसाइड एरिया भी अभी दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ पर, ये पूरा आउटसाइड एरिया है। तो रात को किसी को पार्टी वार्टी करनी होगी वो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर जितने भी किचन में अभी शेफ हैं वो सब IHM ग्रेजुएट हैं। ये भाई ओनर हैं रेस्टोरेंट के, आशीष भाई, और भाई शेफ राम भाई पहले दुबई में जॉब करते थे एटलांटिस होटल में, उसके बाद अब यहाँ पर आ गए हैं। तो भाई ओपनिंग भाई कर रहे हैं, और भाई के साथ वो भी IHM पूजा से पड़े हुए हैं। भाई ये क्या बना रहे हो? टमाटो सॉस। अच्छा टमाटो सॉस, देखता हूँ टमाटो सॉस कैसी बनती है। भाई ये टमाटो सॉस बन रही है अभी, तो स्टार्ट हो रहा है भाई सब। ये भाई टेस्टिंग के लिए क्रोकेट्स बना रहे हैं। भाई ये कैसे बनाए? पहले तो आलू बॉईल हुआ है, हाँ, उसके बाद मशरूम कुक करके मशरूम डाला है, फिर पार्मेसन चीज, पार्सले और सॉल्ट और अपना ऑलिव ऑयल, नॉट ऑलिव ऑयल। अच्छा तो ये फ्राई करोगे इसको ब्रेड क्रम्स के बाद? उसके बाद क्रम्ब होएगा, उसके बाद। ओह बढ़िया लग रहा है भाई, ये सारा का सारा कंपनी में। आज आपने नैंडोज का पेरी पेरी चिकन तो खाया ही होगा, उससे बढ़िया यहाँ पर चिकन मिलेगा रेस्टोरेंट में, और उसी चिकन के लिए पेरी पेरी सॉस बन रही है, वो यहाँ पर है। शेफ आशीष बना रहे हैं जो कि ओनर भी हैं यहाँ के। तो ये पेरी पेरी सॉस बन रही है, ओके, सबको स्लो रोस्ट करके, हाँ, then we finish it with a stock, okay, stock, okay, and we are slowly cooking in a hot plate till I'm able to get it so. ठीक है, ये रेसिपी किसी बाहर नहीं जानी चाहिए है। रेस्टोरेंट में 16 कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ आप सब देख सकते हैं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट CCTV के द्वारा कवर्ड अप है। और हम यहाँ पर एक बबल्स कॉकटेल भी बनाएंगे, उस बबल्स कैसे बनेंगे ये भाई अभी आपको दिखाएंगे। तो ये तो नॉर्मल वाटर है, बट इससे ये दिखा सकते हैं कि बबल्स कैसे बनेंगे। भाई दिखा दो एक बार। ओ सो नीचे ऐसे कॉकटेल होगी और ऊपर ऐसे बबल जाएगा, ओके, या दैट लुक्स गुड। ये तो नॉर्मल पानी है बट कॉकटेल के ऊपर बड़ा अच्छा लगेगी। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक टिल योर लिप्स। थैंक यू सो मच। फील्स गुड। ओ दिस काइंड ऑफ अरोमा, समथिंग, या अरोमा, ब्यूटीफुल। तो ये पूरा का पूरा जगह, अभी तो यहाँ पर लाइट हो रखी है क्योंकि दिन का टाइम है, रात के टाइम में यहाँ पर पूरी नियॉन लाइट्स आ जाती है, और बहुत ही अच्छा व्यू रहता है यहाँ पर। मतलब किसी को भी अपनी बैचलर पार्टी करनी है, कुछ भी करनी है, सारे यंग क्राउड, मेनली रेस्टोरेंट का यंग क्राउड है एकदम। और यहाँ पर लाइव म्यूज़िक, अभी लॉक हो रखा है बट आगे यहाँ पर एक लाइव म्यूज़िक होएगा। एक रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो कॉकटेल है वो बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ इट इसके साथ सर्व करी जाएगी, ये हर किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती है। तो अगर आपको इस टाइप की कॉकटेल पीनी ही है तो आप आ जाइए लोकल किचन FTN बार में। ये भाई हेल्थ किचन में भी काम कर चुके हैं गॉर्डन रामसे के, एटलांटिस दुबई में भी काम कर चुके हैं, और अब आ गए हैं यहाँ पर, और इन्होंने ही आइडिया दिया है
ये पूरा, आ वाह क्या बात है भाई, इनोवेशन तो आपकी शक्ल से दिख रही है शेफ। गाइस रात के 12 बज चुके हैं, अभी रेस्टोरेंट में ही हूँ, बट मैं आपको बाहर की नियॉन लाइट भी दिखा देता हूँ। अभी हम क्लोजिंग करने वाले हैं, आज की टेस्टिंग हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया लगा है। सो गाइस रात के टाइम पे ऐसी लाइट जलती हैं, रात को जो भी बंदे नशे में होंगे हम ऐसी लाइट जला देंगे सो दैट बंदों को और अच्छा लगे और वो और ज़्यादा शराब पिए।